और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। बाला साहेब की पुण्यतिथि पर महाराष्ट्र में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। शिवसेना शिंदे ने यह विज्ञापन जारी किया है बाला साहेब की फोटो के साथ। मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा, इस विज्ञापन में आप साफ तौर पर दिख रहे हैं बकायदा बाला साहेब की फोटो के साथ। मैं मेरी शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा, ये टैगलाइन के साथ पोस्टर छापा गया है शिवसेना शिंदे ग्रुप की तरफ से। ये एडवर्टीजमेंट हर अखबार में आजकल देखी जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बाला साहेब के पोस्टर के जरिए। यहां पर वोट की भी अपील की गई है। शिवसेना शिंदे गुट के पोस्टर में लिखा है कि बाला साहेब के विचारों को वोट दें। तो महाराष्ट्र को लेकर, क्योंकि 20 नवंबर को वोटिंग है और 23 नवंबर को नतीजे सामने आने हैं, ऐसे में ये लड़ाई और ज्यादा यहां पर दिलचस्प होती नजर आ रही है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी विनोद जगदाले मुंबई से लाइव जुड़ रहे हैं। विनोद, अब इस पोस्टर के जरिए साफ तौर पर दिख रहा है कि ये लड़ाई सिर्फ नतीजों के लिए या कुर्सी के लिए नहीं, असली और नकली की भी लड़ाई है, जिस तरह से इस विज्ञापन के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश की गई है शिंदे गुट की तरफ से। देखिए, सबसे पहले ना ये इसके इतिहास में जाना जरूरी है। जिन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था वो बाला साहब ठाकरे ने एक बार एक इंटरव्यू में ये बात कही थी और भाषण में भी उन्होंने एक बात कही थी कि अगर मेरी शिवसेना पार्टी का यहाँ पर कांग्रेस होता है तो मेरी दुकान मैं बंद कर दूंगा। तो इसी को हवाला देते हुए शिंदे गुट ने सीधे सीधे उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला किया है। उद्धव ठाकरे लगातार अपनी सभा में एकनाथ शिंदे हो, उनके पार्टी के अलग अलग विधायक हो, सबको गद्दार करार दे रहे हैं, सबको गाड़ने की जमीन में गाड़ने की भाषा वहां पर कर रहे हैं। तो लिहाजा अब शिंदे की तरफ से ये हमला किया गया है और इसमें बताया गया है कि असली नकली की ये लड़ाई है और सीधे सीधे हमला किया गया उद्धव ठाकरे पर। अब उद्धव ठाकरे की आज भी कुछ जगह रैलियां हैं, उसमें उद्धव ठाकरे इसका जवाब वहां पर देने वाले हैं। देखिए, पहले से ही शिवसेना की जो विचारधारा है वो हिंदुत्ववाद की तरफ रहती थी। उनका जो अखबार है सामना, उसके ऊपर एक लाइन हमेशा छपती है, ज्वलंत हिंदुत्व का पुरस्कार करने वाला अखबार। लेकिन अब इससे शिवसेना कहीं दूर जा चुकी है और जाहिर सी बात है कि चुनाव में ये मुद्दे तो उठते रहते हैं। आपने देखा ही होगा कि राज ठाकरे अपने सभा में हमेशा उद्धव ठाकरे पर हमला कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ राज ठाकरे की सभा हो रही है वो एक बात कहते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ये नाम हमेशा लगता था, अब हिंदू हृदय सम्राट ये नाम निकाल चुके हैं महाविकास आघाड़ी के लोग और शिवसेना उद्धव ठाकरे भी, अब सिर्फ बाला साहब ठाकरे ये कहते हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसे हमले अब लाजमी है। चंद घंटों का अब यहाँ कहते प्रचार बाकी है, कल शाम को 5 बजे तक चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। यहाँ वहाँ मिला के कुछ 28-29 घंटे का अब प्रचार बाकी है। तो जाहिर सी बात है ये हमले और तेज होने वाले हैं। बिल्कुल, अब एकदम प्रचार प्रसार अपने अंतिम चरण में है और ऐसे में यहाँ पर हर अब जो है दाव का यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है इस पोस्टर वॉर के जरिए, स्ट्रांग मैसेज यहां पर देने वाली, क्योंकि अब यहां पर लड़ाई विचारधाराओं पर भी आती दिख रही है। जिस तरह से आपने भी समझाया विनोद कि अब यहां पर कांग्रेस के साथ किस तरह से अपने विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज उद्धव ठाकरे की पार्टी ने किया, यही जताने की कोशिश। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये मुद्दे जनता के बीच कितना घर करते हैं। देखिए, जनता को जिसको वोट करना है ना वो तो वोट करने वाले हैं। इन मुद्दों से जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, बटोगे तो कटोगे हो या एक है तो सेफ है या फिर असली नकली की लड़ाई, गद्दार या खुददार, इन मुद्दों से जनता को कुछ लेना नहीं। जनता को जहां पर किसको वोट देना है वो पहले से उनके मन में तय होता है। और रही बात अब महाराष्ट्र की मैं बात करूँ तो देखिए, इस बार है ना लड़ाई बहुत कांटे की है। कम से कम 80 से 100 विधायक ये 1000 से 5000 के मार्जिन से जीतने वाले हैं, क्योंकि फील्ड पे हम घूमते, हमने देखा है, हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी महाराष्ट्र में घूम रहे हैं। हर जगह पर एक ही बात यहाँ पर दिख रही है, वो दिख रही है कि निर्दलीय बड़े तादाद में खड़े हैं और वो सभी का खेल खराब कर सकते हैं, या महायुति हो या फिर महाविकास आघाड़ी हो। लेकिन जमीन पे मुद्दे
सोयाबीन का है जमीन पर मुद्दा, मराठा आरक्षण का है जमीन का जमीन पर मुद्दा, बेरोजगारी है जमीन पर मुद्दा, किसानी की बदहाली है, किसानों की आत्महत्या है, लेकिन इस पर कोई भी पार्टी बात नहीं करेगी। लेकिन जनता को पता है कि कहाँ वोट कर रहा है। जनता अब अपना यहाँ पर जो कह सकते ना विधायक चुनने वाली है, 20 तारीख को और 23 को नतीजे बताएंगे। ठीक है, ठीक है विनोद, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस बीच